नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। धनबाद संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी और बाघमारा विधायक दुल्लू महतो पर एटक नेता ने प्राथमिकी दर्ज कराई। बोकारो कामगार यूनियन के उपाध्यक्ष और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य विद्यासागर गिरी ने धनबाद संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी और बाघमारा क्षेत्र के विधायक दुल्लू महतो द्वारा दिनांक 22/5/2024 बुधवार को सुबह 7:05 पर फोन कर श्री गिरी को फोन पर ही धमकी देने और चुनाव के बाद देख लेने की धमकी के बाद श्री गिरी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। विद्यासागर गिरी ने झारखंड सरकार के DGP, झारखंड राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, धनबाद संसदीय क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारी तथा सेक्टर 12 थाना के प्रभारी पदाधिकारी को संबोधित अपने पत्र में कहा है कि वे एटक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा इंडिया गठबंधन के समर्थन में चुनाव अभियान चलाने और बोकारो के साथियों को मार्गदर्शन और नेतृत्व करते हुए भाजपा के खिलाफ कल एक बयान देने के मुद्दों पर टेलीफोन करके धमकी दी है और चुनाव के बाद देख लेने की चेतावनी जैसी बात की है। उसके बाद विद्यासागर गिरी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा और सचिव मंडल के सदस्यों तथा एटक के अध्यक्ष रमेंद्र कुमार और महासचिव अमरजीत कौर के साथ विचारों उपरांत प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन ऑनलाइन भेजा है और ऑनलाइन ही प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है, जिसकी प्रति इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव अभियान में भाजपा के विरोध में जनऊ भार और इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा से किस तरह बौखला गए हैं, उसी का यह परिणाम है। चुनाव अभियान में विरोध पक्ष के खिलाफ आक्रोशित होकर धमकी देना भाजपा के फासिस्ट और तानाशाही प्रवृत्ति का द्योतक है, जिसे जनता धूल चटाएगी। यह धमकी सत्ता की मंदहातता का परिणाम है, जिसे जनता आने वाले चुनाव में जवाब देगी और दबंगई का जवाब इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट देकर देगी। तो आइए सुनते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विद्यासागर गिरी और उनके पुत्र रंजीत गिरी ने क्या कुछ कहा। बताना चाहता हूं कि धनबाद संसदीय क्षेत्र के भाजपा के उम्मीदवार दुल्लू महतो ने आज सुबह 7:05 पर मेरे टेलीफोन पर टेलीफोन करके धमकी दिया है कि चुनाव के बाद देख लेंगे। सनद रहे कि मैं AITUC का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते इंडिया गठबंधन के जिताने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी, मजदूर विरोधी और किसान विरोधी हरकतों के खिलाफ अभियान चला रहा हूं। हम अपने बोकारो के संगठन के साथियों को मार्गदर्शन और निर्देशित करके इंडिया गठबंधन के पक्ष में अभियान चलाने और आम जनता के बीच जाने का समन्वय दिल्ली से कर रहा हूं। इसकी खबर मिलने पर कि मैं कल एक प्रेस बयान जारी किया था, हमारे साथी बोकारो के कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और AITUC के साथी कल 9 मीटिंग किए और यह खबर अखबारों में भी छपी थी कि AITUC और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया गठबंधन के समर्थन में कार्य कर रही है। इससे आक्रोशित होकर दुल्लू महतो ने हमको फोन करके और धमकी दिया है, जिस धमकी का प्रत्युत्तर मैंने फ़ोन में तो दिया कि कम्युनिस्टों को कोई धरती पर पैदा नहीं लिया कि उसको झुका दे और बाकी कौन लोग हैं, धमकी से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। और इसलिए हम बताना चाहते हैं कि यह गैर जनतांत्रिक कार्रवाई, चुनाव अभियान में धमकी देना, यह एक तरह से आतंक फैलाने जैसा है। और हमने DGP झारखंड, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड, रिटर्निंग ऑफिसर धनबाद और थाना प्रभारी सेक्टर 12 को ऑनलाइन आवेदन भेजकर मैंने प्राथमिकी दर्ज कराया है। मैंने इसकी प्रति DCP सेंट्रल नई दिल्ली को भी भेजा हूँ। हमारे नेता, पार्टी के नेता डी राजा, AITUC के नेता अमरजीत कौर और तमाम साथी इसके खिलाफ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिल्ली को भी पत्र लिखा है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इस तरह की गुंडागर्दी और धमकी देने वाले प्रत्याशी पर उचित कार्रवाई करें। आज सुबह 7:00 माननीय विधायक श्री दुल्लू महतो जी ने
जो एटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विद्यासागर जी, उन्होंने फोन किया सुबह और उनको बड़े लहजे में कहा कि आपको हम देख लेंगे, इलेक्शन के बाद आएगा तो मोदी ही आएगा, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, वो होने वाला नहीं है। ये इसलिए वो कर रहे हैं कि वो हर कदर से बौखला गए, क्योंकि यहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन है बोकारो में, मजदूरों का संगठन है AITUC, वो सब मिलके परसों नुक्कड़ सभा किया था 10-12 जगह बोकारो के विभिन्न जगह, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, वो छपी थी अखबार, उसी को लेकर बौखलाए गए। धमकी क्यों दिया गया? धमकी इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो जनता उजागर ना करें, भाजपा के खिलाफ ना बोले, इसके लिए किया गया। इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में नहीं बोलिया। धमकी में क्या क्या? धमकी में जान माल का क्षति पहुंचाने का बात बोला जा रहा है कि इलेक्शन खत्म होने दीजिए, बता देंगे आपको, दिखा देंगे। FIR दर्ज कराया गया है सेक्टर 12 थाना में, सेक्टर 12 थाना में उन्होंने FIR दर्ज करवा दिया है, ऑनलाइन FIR दर्ज हुआ है और चुनाव आयोग को भी दिया गया है। अभी कम्युनिस्ट पार्टी के टी राजा जो हम लोग के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अभी इलेक्शन कमीशन से अभी दिल्ली में भेंट हो रही, बात कर रहे हैं कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग से। क्या लगता है कि कार्रवाई होगा या एकदम कार्रवाई होगा? कार्रवाई होगा अभी, और जनता देख रही है क्या तमाशा हो रहा है। अब आप कल प्रतिनिधि बनने वाले हैं, जनता बनाने वाले, और आप ऐसे कर रहे हैं, ये उचित नहीं। क्या लगता है धनबाद से किसके जीते? धनबाद से इंडिया गठबंधन की जीते, इसी तो वो खिलाए हुए हैं, उनके भाजपा के लोग ही छोड़ छोड़ के इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं। आप देख लीजिए, विधायक लाल सिन्हा पर शोकौज हो गई, सारंगन जी पर शोकौज हो गई, उनके जो वार्ड के सदस्य लोग उनको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तो यही चीज़ से तो लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जीत रही है। अब ख्याली पुलाव बनाने का तो कोई बात नहीं बोल सकते हैं, ख्याली पुलाव उनका कुछ भी बोलने, उनको कुछ नहीं कमेंट करना है हमको, लेकिन ये जो उनका है स्थिति देखने से ही पता चल रहा है, ये हम लोग नहीं बोल, उनके लोग ही भाग रहे हैं। ऐसा है कि जहाज में जब नाव, जब देखे होंगे जहाज जो चलता है पानी में, तो वहाँ जब पानी भरने लगता है, पहले सबसे पहले चूहा भागता है, ठीक है, तो बिल छोड़कर चूहा, अब चूहा भागना शुरू हो गया, इसका मतलब स्पष्ट है, देखने से स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा की हार तय है, इसी से बौखलाए हुए हैं। वी टाइम न्यूज़ के लिए बोकारो से अनिल बर्णवाल की रिपोर्ट।